तो आपने भी बहुत भर भर के पैसे कमाए होगा। बिल्कुल कमाया सर। तो पहली पेमेंट आई तो घर वालों क्या रिएक्शन था? उस टाइम मैं गेहूं काट रहा था खेत में। तो दोस्त हाँ यार पैसा कमाना, इतना पैसा कमाना, जब तक अड़ोसी पड़ोसी ये ना बोलने लगते कि भाई इतना पैसा कहाँ से कमाने लगा, दो नंबर का तो नहीं कमाने लगा लड़का। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ कौन है, यूरोप में तेजी से वायरल होने वाले और सभी की धड़कनों को बढ़ाने वाले यूट्यूबर बनो यानी बसंत भाई। और आज हम इनका पूरा सेटअप दिखाते हैं कि ये कहाँ पे वीडियो शूट करते हैं और इनके पास क्या क्या चीजें हैं और सब कुछ ये डिटेल साथ दिखाएंगे। और भाई से मिलकर पहले तो बहुत अच्छा लगा और भाई कनेक्शन बहुत बढ़िया है, हमेशा हंसाते रहते हैं जैसे कि वीडियो में हंसाते हैं वैसे यहाँ भी हंसाते हैं और भाई की स्माइल बहुत ही अच्छी है। तो आइए फिर भाई का सेटअप देखते हैं और उसके बाद ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो आइए फिर चलते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो ये हमारा ऑफिस है और ये मेरा मैकबुक है जिसमें मैं वीडियो एडिट करता हूँ। ठीक आगे आ जाइए सर। सॉरी आई मैक है सर। ये बताइए ये जो चीजें हैं ये सब यूट्यूब के पैसों से? बिल्कुल सर, यूट्यूब के पैसों से है, सोशल मीडिया से मैंने ये सब कमाया। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे सामान है। ये क्या चीज है, इनके बारे में कोई बताएंगे? सर हार्ड डिस्क है, इनमें हमारा डाटा है, वीडियो वगैरह रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग यानी कि जो कंटेंट हम अपने चैनल पर अपलोड करने वाले, यानी कि एक्स्ट्रा कंटेंट हमारे पास एडवांस। गाइस आप मैंने मतलब लाइफ में पहली बार देखा कि कोई यूट्यूबर मतलब आज का नहीं आज से एक साल तक का पूरा वीडियो शूट करके रखे। अगर ये 5-6 महीने काम भी नहीं करेंगे ना तो ये आराम से घर बैठे वीडियो पब्लिश करेंगे और आराम से पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल हमारे इसमें करोड़ों का भाई खजाना छुपा है, इसमें करोड़ों का आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया सेटअप है और वहाँ पे इनकी पूरी दुनिया बसंत जागरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर, उसके बाद नेहा जागरा ब्लॉग्स फैन की वाइफ है। हाँ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे चार सिल्वर के बटन है और काफी अच्छा डिजाइन किया गया है और भी है। आइए आपको दिखाते हैं इनका जहाँ से ये वीडियो शूट करते हैं और आपको दिखाते हैं। चलिए गाइस ये तो गाइस देख सकते हैं यही है मेन सेटअप जहाँ से ये वीडियो वगैरह शूट करते हैं और ये देख सकते हैं गाइस। सर इसके बारे में बताएंगे? ये हमारा कैमरा है, सोनी का कैमरा है और ये स्टैंड है और ये मैंने टेलीप्रॉम्प्टर लगा रखा है। इसकी क्या कीमत? इसकी वैरायटी होती है इसकी तो। हां इसकी कीमत क्या होगी सर? इस टोटल की कीमत होगी 3-4 लाख रुपए के आसपास। समझ लीजिए गाइस नॉर्मल इंसान खरीद सकता है ये? नॉर्मल इंसान खरीद ही नहीं सकता। तो देख सकते हैं यहाँ पे एसी वगैरह है और यहाँ पे फॉर्म वगैरह की वॉइस के लिए वॉइस ना आवाज गुंजे थोड़ा वो सब उसके लिए मिल रहा था। और भी देख सकते हैं आप और ये डिजिटल बोर्ड है पीछे जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, वीडियो शूट करता हूँ और ये मैंने लाइटिंग लगा रखी है यहाँ पे ना आप देख रहे हो 2x2 की लाइटिंग है। इसका नाम नहीं पता मुझे नाम क्या बोलते हैं प्रॉपर, आप इंटरनेट पर सर्च करोगे ना 2x2 कुछ इस तरह लिखे तो आपको मिल जाएगी। अच्छा तो काफी शानदार है। तो सर ये डिजिटल बोर्ड कब लिया आपने? ये डिजिटल बोर्ड सर मैंने अभी लिया था यूट्यूबर बनो चैनल स्टार्ट करने के बाद ही। तो काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है सर और काफी ज्यादा शानदार सेटअप भी है इनका। और सर अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएंगे लोगों को कि मतलब आपने कैसे यूट्यूब पर आया और कैसे स्टार्ट किया? देखो यूट्यूब पे मैंने भी ऐसे मतलब किसी को देखा था, किसी से मोटिवेट हुआ था कि भाई यूट्यूब से पैसे कमाए जाते हैं तो फिर मैंने भी धीरे धीरे करके यूट्यूब पे देखना वीडियो स्टार्ट किया। मतलब किस साल मतलब कौन से साल स्टार्ट किया था? 2016 से। बाप रे। तो उसके बाद मतलब आप यूट्यूब पे काम करते थे, भाई का प्रैंक का चैनल आप जानते ही होंगे, तो मतलब उसमें सक्सेस कब मिली, कितने व्यूअर डालने के बाद? तो सर जल्दी मतलब अभी 11 महीने में मेरी पहली पेमेंट आई थी। अच्छा अच्छा 7,000 रुपए के आसपास, $104 की पहली पेमेंट थी मेरी। तो मतलब YouTube से पहले आप कुछ करते थे जॉब वगैरह स्टडी वगैरह कुछ? YouTube से पहले तो स्टडी करता था, मैं कोचिंग वगैरह कर रहा था, कंप्यूटर सीख रहा था। कभी ख्याल नहीं है जॉब करने का? नहीं आया था ऐसे कुछ, मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी की थी। अच्छा, बट नहीं हाथ लगी। तो अच्छा ये सवाल है कि मतलब लोग आजकल घर में फैमिली बोलते हैं कि आप जॉब करें YouTube में क्यों परेशान हो रहे हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं YouTube में, मतलब करियर बनाना चाहिए या जॉब में? नहीं अगर हमारा इंटरेस्ट है YouTube में, अगर आपका वीडियो क्रिएट करने में इंटरेस्ट है तो आप वीडियो में आइए, YouTube पर आइए, बिंदास अच्छा करियर बनाया जा सकता है सोशल मीडिया। YouTube से कितना पैसा कमाया जा सकता है? अनलिमिटेड, जितना आप सोच सकते हो उतना कमा सकते हो, कितना भी कमा सकते हो। तो आपने भी बहुत भर भर के पैसा कमाया होगा? बिल्कुल कमाया सर। मतलब आपकी हाईएस्ट पेमेंट कितनी रही महीने में सबसे ज्यादा? सर 5 लाख प्लस रहती है हमारी। जॉब वाला कोई कमा सकता है गाइस आप बताइए 5 लाख? तो सर के पास इतना पैसा सर के पास तो अच्छी कार भी होगी फिर? कार है सर, ले सकते हैं आप? बिल्कुल ले सकते हैं सर, पर मैं इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखता। सर का एक बहुत मोह माया से दूर मोह माया सर दूर है और सर एक अच्छा प्रोफेशनल लाइफ जीते हैं और ये एक टीम भी सर्वाइव करते हैं, इनके बीच में करीब 30-35 लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं और बाकी और भी लोग काम, जिससे उनका घर का खर्चा भी चलता है। ये एक रोजगार दे रहे हैं यहाँ से, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर। और कुछ बताएंगे अपने जर्नी के बारे में?
तो दोस्तों जर्नी तो सब मैंने अपने YouTube चैनल पर डाल ही रखी है, वैसे बहुत सारे इंट्रो रखे मेरे, सब जानते भी होंगे मेरे बारे में। अगर नहीं जानते तो देखो मैंने तो 16 में स्टार्ट किया था, घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया था स्टार्टिंग में, कोई भी सपोर्ट नहीं करता था यार दोस्त, कोई भी सपोर्ट नहीं करता स्टार्टिंग में, तो ऐसे ही परेशान होके इधर उधर मैंने दिहाड़ी मजदूरी जो भी काम मिला वो किया, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, जो काम मिला हुआ मैंने किया और फिर धीरे धीरे पैसे कलेक्ट किए और यूट्यूब पे वीडियो देना स्टार्ट किया, यूट्यूब पे वीडियो डालना स्टार्ट किया, धीरे 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 काम करते गए, रास्ते खुलते गए, मंजिल मिलती गई। जब पहली पेमेंट आई तो घर वालों क्या रिएक्शन था? उस टाइम मैं गेहूं काट रहा था। फिर ये आपका एक चैनल और आया है जो कि भाई आग लगा दिया यूट्यूब में आग लगा दिया, यूट्यूबर बनो, और उसमें आप यूट्यूबर बनाते हैं, मोटिवेशन करते हैं, इसका मतलब आइडिया कैसा है कि मुझे एक मतलब प्रैंक छोड़कर यूट्यूबर बनाना है? नहीं मैंने प्रैंक नहीं छोड़ा, पर मैं साइड में सोचा था कि कुछ ना कुछ ऐसा करूं, क्योंकि मेरे पास ना मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो बोल रहे थे भाई मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे को सिखा दे, ये कर दे, बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोगों को मैंने काम भी करवाया, काम सिखा भी, यूट्यूब चैनल चालू भी करवाया, स्टार्ट भी करवाया, ग्रो भी हुए हैं, सब पैसा भी कमा रहा है आज के डेट में। तो फिर मैंने सोचा यार ऐसे स्पेशली टाइम तो दे नहीं पा रहा मैं, क्यों जैसे भी मेरे दोस्त हैं और भी बहुत सारे लोग सीखना चाहते होंगे, तो YouTube पे पहले से लोग सिखा रहे, तो मैंने वहां भी देखा भाई और क्या और अच्छा हो सकता है, क्या कुछ हम नया कर सकते हैं, तो मैंने कंटेंट प्लान किया वो सब, तो हमने काम स्टार्ट किया था। तो सर बहुत अच्छा लगा, और सर की शादी भी हो चुकी है। बिल्कुल सर। और सर को करीब 2 साल हुए हैं, तो सर से पूछते हैं क्या सर ने लव मैरिज की थी या अरेंज मैरिज? सर जी हमने देखिए अरेंज मैरिज की है सर। झूठ बोल रहा है तो सही है, तो शादीवादी चक्कर मत पड़ना यार, सच बता रहा हूँ, शादीवादी टाइम पे हो जाती है, अपने आप हो जाएगी, पहले सक्सेस जरूरी है लाइफ में ना, पहले पैसा वैसा ये सब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जिस दिन हैंडल हो जाएगी, मतलब सबको जब सब कुछ सेटल हो जाए ना तब करना चाहती है। सही है। तो सर जो न्यू यूट्यूबर हैं जो आपको देखती है उनको आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे काम करना है? कोर्स ज्वाइन करना है और कोर्स ज्वाइन करना जब भी आप प्रो यूट्यूबर बन सकते हैं, क्योंकि सीखना जरूरी है सर। मैं भी कोर्स लेने वाला हूँ सर से। बिल्कुल सर, थैंक यू कि मुझको भी 30 डॉलर करने है, तो सर का कोर्स ज्वाइन कर लूं, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, ऐसी बात नहीं मिलेगा, बहुत कुछ अलग मिलेगा देखने को और सीखने को भी। सही है, सर से मिलकर काफी अच्छा लगा, और आशा करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा, और सर का सेटअप, सर की फैमिली और इनका नेचर बहुत बढ़िया, कसम से बहुत ज्यादा मैंने फन किया, मैं पहली बार मतलब किसी क्रिएटर के पास गया इतना फन, मतलब खुला, ऐसे लगता नहीं कि मैं मतलब पहली बार मिले, ऐसा लग रहा है बचपन के दोस्त हैं, भाई चील बाबा चील, एकदम से चील, और काफी अच्छा लगा, आशा करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा। तो सर कुछ बोलना चाहते बोल सकते हैं लास्ट में? तो दोस्तों जिंदगी में टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ एक्शन लेना है और हंसते रहना, मुस्कुराते रहना है, और कुछ लेकर नहीं जाना यहाँ से, सब कुछ मंगवाया, पर हाँ पैसा जरूर कमाना है यार। अपने अंदाजे बोलिए जैसे आप लास्ट में बोलते हैं हमें ये सौभाग्य मिला, मुझे अच्छा लगा सर आपके सौभाग्य तो हमें मिला कि सर से मतलब मिल रहे हैं, काफी अच्छा लगा।